टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम की हुई जीत, क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। शाम को होने वाले आयरलैंड और ब्रिटेन के मैच पर होगी अब नजर। टोक्यो ओलंपिक में नौवां दिन भारत के लिहाज से काफी शानदार रहा। एक तरफ डिस्कस थ्रो में कमल प्रीत कौर ने फाइनल में जगह बनाई तो दूसरी तरफ महिला हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर मेडल की उम्मीदें कायम रखी। आपको बता दें, भारतीय महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका को आखिरी ग्रुप मैच में 4-3 से हराकर ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें कायम रखी हैं। भारत की तरफ से वंदना कटारिया ने 3 जबकि नेहा गोयल ने 1 गोल किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के लिए टैरिन एरिन हंटर और मारी जेन ने 1-1 गोल किया। वहीं भारत को अब दुआ करनी होगी कि शनिवार शाम को होने वाले आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड की टीम ब्रिटेन से हार जाए या ड्रॉ खेले, ताकि पॉइंट टेबल के आधार पर भारत क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर सके। वहीं दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के साथ मैच में भारत की वंदना कटारिया ने इतिहास रच दिया। वंदना भारत की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हो गई जिन्होंने ओलंपिक के 1 मैच में 3 गोल किया। इसी वजह से भारत ने मैच में अच्छी शुरुआत की और 4th मिनट में ही वंदना कटारिया ने गोल दाग दिया। हालांकि भारत की यह बढ़त ज़्यादा देर तक नहीं रही और पहला क्वार्टर फाइनल समाप्त होने से ठीक पहले साउथ अफ्रीका के ग्लैसबी ने गोल कर स्कोर लाइन को 1-1 की बराबरी पर कर दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका पर फिर बढ़त बनाई और दूसरे क्वार्टर के 17वें मिनट में दूसरा गोल दाग दिया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर से स्कोर को बराबर कर लिया और दूसरा क्वार्टर खत्म होने तक स्कोर 2-2 की बराबरी पर था। लेकिन इसके बाद भारत ने शानदार खेल दिखाते हुए जबरदस्त तरीके से गोल दागे और मैच में 4-3 से जीत दर्ज कर ली। साथ ही क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें भी बरकरार रखी हैं।